2016 के इंटर्न डॉक्टर सरकार से अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए इंटर्न्स डॉक्टर का कहना है कि इस साल सरकार द्वारा कैंपस इंटरव्यू नहीं किए गए हैं, जिसके चलते 2016 बैच के इंटर्न्स को अपने भविष्य की चिंता अब सताने लगी है। हिमाचल प्रदेश में इस साल सरकार द्वारा कैंपस इंटरव्यू न किए जाने से 2016 बैच के इंटर्न चिकित्सक काफी परेशान हैं। इन प्रशिक्षु चिकित्सकों ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। प्रशिक्षु चिकित्सकों का कहना है कि सरकार हर साल कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति करती है, लेकिन इस साल कैंपस इंटरव्यू नहीं किए गए हैं, जिससे प्रदेश में लगभग 300 प्रशिक्षु चिकित्सकों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है जल्द से जल्द कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से उनकी नियुक्ति की जाए। हम लोग बैच 2016 के इंटर्न्स हैं। हम टोटल 300 डॉक्टर्स हैं आईजीएमसी शिमला, टांडा और नाहन को मिला के। तो जिस तरह से हर साल कैंपस इंटरव्यूज़ किए जाते थे, लेकिन इस साल सरकार ने कैंपस इंटरव्यूज़ नहीं किए हैं हमारे लिए। तो 6 मई के बाद हम कंप्लीट हो जाएंगे, तो 6 मई के बाद हमारे लिए फ्यूचर कोई रास्ता नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सरकार के साथ लगातार टच के होने के बावजूद भी सरकार हमें सिर्फ छोटे मोटे आश्वासन दे दिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिटर्न नोटिफिकेशन या कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार जल्द से जल्द हमें रिक्रूट करे, हमारे कैंपस इंटरव्यूज़ करवाए। हमें जो सरकार ने 500 सीट्स के लिए भी अनाउंसमेंट करी है, उसको जल्द से जल्द हमारे लिए एलिजिबल किया जाए और हमें उसमें भरा जाए जल्दी से जल्दी, ताकि हम पेरिफेरी में अपनी सेवाएं दे सकें। नहीं, अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो उसके बाद हमारे पास स्ट्राइक और धरना प्रदर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।